जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण है और वेदों का ज्ञान न हो, वो सोचने योग्य है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। लेकिन यहां जरूर ख्याल कर लेना, चातुर्वर्णम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग सा, गुण से वर्णों की व्यवस्था भगवान ने बनाई है। अगर आप जाति से भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो ज्ञान से दूर है और संसार में लिप्त है। आजकल तो वर्ण व्यवस्था गुणों से पहले होती थी, लेकिन बदल गई और फिर हम अपने पुराने ट्रैक पे जा रहे हैं कि कर्म से वर्ण की व्यवस्था होगी। और आज एक ही वर्ण है, वैश्य वर्ण है, सभी व्यापारी हैं। पंडित जी भी सामान बेच रहे हैं, व्यापारी तो बेच ही रहे हैं, तो एक वर्ण है। अब किसी ने कहा कि संसार में जो राज करता है सिर्फ बनिए, बनिए राज करते हैं। बोलिए कैसे? बनिए ही सब कुछ होते हैं। बोले ये कैसे होता भाई? तो आप ही तो कहते हैं श्रेष्ठ आदमी बनिए, महापुरुष बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कहते कि नहीं, व्यापारी बनिए, तो बनिए ही तो सब है। बनिए शब्द में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बोली राजा राम चंद्र भगवान की जय। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण यदि ज्ञान से दूर है तो वो सोचने योग्य है कि मरने के बाद उसका क्या होगा। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के छह काम बताए गए हैं, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। अगर ये छोड़ के लिप्त है वेद का ज्ञान नहीं तो सोचने योग्य है ब्राह्मण। क्षत्रिय वो सोचने योग्य है जिसे प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है। तो आज क्षत्रिय कौन है? सत्ताधारी क्षत्रिय होते हैं। तो यहां वर्ण से अब क्षत्रिय बचा नहीं। उस दृष्टि से अगर देखेंगे जो सत्ता में है वो क्षत्रिय है। तो आज मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये क्षत्रिय है। तो वो क्षत्रिय जो सत्ताधारी है, सोचने योग्य है, जिसे प्रजा से प्यार नहीं, वो केवल तिकड़म करता है। क्षत्रिय मतलब राजनेता समझ लेना अभी यहां, क्योंकि जाति वाला तो फॉर्मेट ही चेंज हो चुका है कि वो राजतंत्र में बैठा हुआ, जिसे हम आज प्रजातंत्र कहते हैं, नाम की बात है कहने की। शासन एक ही टाइप का हमेशा चलता है। जो सत्ताधारी है वो सोचने योग्य है मंत्री जी, कि प्रजा के लिए कुछ नहीं करते, केवल वोट लेते हैं। वोट केवल लेने के दिन झूठ मूठ का हाथ जोड़ लेते हैं, इसके घर में घुस जाओ, इसके खटिया पर बैठ जाओ, इनके घर में खा लो, यहां चले जाओ, यहां पे कुछ जाति के वोट जाते हैं तो उनके यहां बैठ लो, ये कर लेते हैं। और प्रजा से प्यार नहीं करते, उनके लिए कुछ करते नहीं, ऐसे क्षत्रिय अर्थात सत्ताधारी सोचने योग्य है। और अभी भी ब्रह्म में क्या है? क्षत्रिय मतलब राजपूत। जाति को गत मामला मान ली, आपके पास सत्ता नहीं है। अगर आप क्षत्रिय और मंत्री है तब तो ठीक है, और अगर आप वैश्य हैं या आप किसी भी वर्ण में आते हैं और सत्ता में है तो आप क्षत्रिय हैं, शासन करने वाले हैं तो आप क्षत्रिय हैं। तो आपके पीछे सोचना पड़ेगा कि मरने के बाद आपका क्या होगा, जितने घोटाले कर रहे हैं। बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय। सोचिए वैश्य कृपण धनवान, वो व्यापारी सोचने योग्य है जो धनवान तो है लेकिन बहुत कंजूस है। इंग्लैंड में एक आदमी की मौत हो गई, बाद में पता चला वहां का सबसे बड़ा आदमी था, और मृत्यु क्यों हुई? कोट नहीं खरीद पाया, और उसके घर से इतना खजाना निकला कि इतनी दौलत की इंग्लैंड में किसी के पास नहीं था। तो
तो ऐसे धनवान सोचने योग्य है कि मरने के बाद क्या होगा। और यहां व्यापारी वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए तो भी, ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए तो भी, या किसी भी वर्ण में पैदा हुए बिजनेस करते हैं तो आप वैश्य हैं। कार्य आपका व्यापार है तो आप व्यापारी हैं। तो वो सारे व्यापारी सोचने योग्य हैं किसी वर्ण में पैदा हुए, और जिनके पास धन है लेकिन कंजूस है। श्रेष्ठ कार्य में, धर्म के कार्य में, किसी के भलाई के कार्य में लगाते समय बड़ी कंजूसी होती है, तो मरने के बाद सोचना पड़ेगा इनका क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो इनका क्या होगा। और ऐसे ऐसे सेठ लोग होते हैं, दान करने वाले भी एक से एक हैं, लेकिन ऐसे कृपण धनवान भी एक से एक हैं कि बाकी दूसरे काम में खर्च कर देंगे लेकिन धर्म के काम में नहीं। बर्थडे पार्टी में करोड़ों खर्च कर देंगे और बुलाएंगे भी, दिखाएंगे देखिए कितना हमारे लोग आए हैं और कितने बड़े बड़े लोगों को बुलाए, कितने लोगों को खाना खिलाया, खाना भले ही ऐसी बर्बाद हो रहा हो क्योंकि ऐसे पार्टियों में कोई खाने आता नहीं, देख के छू के चले जाते हैं क्योंकि सब पेट भरे वाले लोग हैं, किसी को फुर्सत है नहीं। तो ऐसे कृपण धनवान भी लोग हैं। एक जगह राम कथा हो रही थी, अमित मेहरा जी उसके संयोजक थे और वो गए एक सेठ जी के पास कि कुछ दीजिए, कथा चल रही है दहीसर में। तो उन्होंने एक चेक दे दिया। अमित जी अगले दिन गए, बोले चेक बाउंस हो गया। तो क्या गड़बड़ी थी? अरे गड़बड़ी क्या थी, गलती से आपने साइन नहीं किया था उसमें, इसलिए चेक बाउंस हो गया। तो सेठ जी ने कहा, को कहा कि कर दीजिए साइन, गलती से छूट गया। तो सेठ जी ने कहा गलती से नहीं छूटा, हमने जानबूझ के साइन नहीं किया। बोले क्यों साइन नहीं किया? मैं कभी भी बोल कर दान नहीं करता, गुप्त दान करता हूं, अगर साइन करूंगा तो मेरा नाम पता चल जाएगा। तो बोले ऐसे दान का कोई मतलब है, ये गुप्त दान करते हैं। फिर दूसरी जगह गए लोग, दूसरे सेठ जी के पास इसी बोरीवली में। अब वहां गए तो वो सेठ जी की एक आंख पत्थर की थी और इनके साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी गए थे, पूरी कमिटी। तो बुजुर्ग ने कहा कितना दे दूं? बोले जितना आप की इच्छा हो, श्रद्धा हो। तो बोले चलो 10 लाख देता, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? मेरी एक आंख पत्थर की है, आप में से जो बता दे कि कौन सी है मैं तुरंत उसी समय 10 लाख का चेक दे दूंगा। एक घंटा दो घंटा निकल गया लेकिन पता ही नहीं चला इनमें से पत्थर की आंख कौन सी है, एक ही जैसा, हो बहु एक जैसा था, हो बहु एक जैसी आंख। एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे साथ में, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा आपकी बाई आंख पत्थर की है एकदम। बोले आपने कैसे पहचान लिया? बोले तुम्हारे असली आंख में तो पानी है ही नहीं, तुम्हारे शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं, ये पत्थर की आंख में अभी भी कुछ है पानी। 3 घंटे से बिठाए हो, देने का मन नहीं है, अरे देना हो तो दो पत्थर जांच करवा रहे हो, यहां कोई आई हॉस्पिटल खुला हुआ है। तो ऐसे कृपण धनवान भी मिल जाते हैं कि देना नहीं चाहेंगे, केवल आपको घुमाते रहेंगे, कल आइएगा, शाम को आइएगा, चेक बना दिया है, अरे लग रहा बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना, अरे चेक पे लिख देना, ऐसे घुमाते हैं लोग। तो ये सोचने योग्य है कि मरने के बाद क्या होगा। सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, शूद्र वो सोचने योग्य है जो विप्र का अपमान करे। अब यहां फिर से समझ लीजिए, शूद्र कौन है? यहां कोई जाति से न समझे शूद्र, बार बार ये संकेत किया जाता रहे, ना समझी में कुछ भी अर्थ लगाते हैं लोग, बार बार श्लोक दोहराया जाता है, चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह। भगवान कृष्ण कहते हैं 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने गुण और कर्म के हिसाब से बनाया, लेकिन लंबे अंतराल में समाज की व्यवस्था ने जातिगत आधार पर उसे मान लिया। लेकिन अब तो बड़े दिमाग वाले लोग हैं, अब तो समझ लें कि शूद्र कौन। यदि जिसे आप शूद्र कहते हैं वो कलेक्टर है तो क्या है? आप जिसे शूद्र कहते हैं वो अगर मंत्री है तो क्या है? वो क्षत्रिय है। अगर वो बड़ा व्यापारी है तो वैश्य है। और यहां शूद्र कौन है?
वो चाहे पंडित जी है और झाड़ू लगा रहे हैं तो शुद्ध रहे। इसमें ऊंचा नीचा भी नहीं है, बड़ा छोटा भी नहीं है, सिर्फ गुण और कर्म जो है उसको एक नाम दिया गया कि अगर क्षत्रिय भी है और कार्य वो है तो वो शुद्ध रहे। तो यहां कहने का मतलब कोई शूद्र जाति से न समझ ले, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। किसी भी वर्ण का व्यक्ति यदि इस तरह के कार्य करता है वो शूद्र है, और जिसे तथाकथित समाज शूद्र कहता था अगर वो व्यापार करता है या शासन करता है तो क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य है। तो जो जाहिल गंवार है और वो किसी विप्र का अपमान करे तो सोचने योग्य है, यहां ये भाव है। नहीं तो कहेंगे गोस्वामी जी ने कैसे लिख दिया, सोचिए शूद्र विप्र अपमानी, तो शूद्र विप्र से कुछ ना बोले ये क्या मतलब है। कौन शूद्र है? जिनको आप शूद्र समझ रहे हैं नहीं है शूद्र है। लंबे अंतराल में थोप दिया गया और आज की व्यवस्था में तो और भी नहीं है। किसी भी वर्ण में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि शासन करता है तो वो क्षत्रिय है, और किसी भी वर्ण में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार करता है तो वैश्य है। बहुत ही नहीं किसी में पैदा हुए, पहले के जमाने में जातियां नहीं होती थी, वर्ण गुण कर्म के हिसाब था, सब तो भगवान के संतान है। फिर जातियों की व्यवस्था कैसे हो गई? जातियों की व्यवस्था ऐसे हो गई कि कोई मिट्टी का बर्तन बनाता था बेटे के लिए, कोई तकनीकी व्यवस्था नहीं थी, वहीं से सीख लिया, वही काम वो करने लगा, तो कई पीढ़ी तक वही हो गई। तो बोले कि कुम्हार है, जाति हो गई। सोने का काम करता था सुनार हो गया, लोहे का काम करता था लोहार हो गया, और ऐसे व्यापार अलग अलग हो गए। जिस गांव से आए तो गांव का नाम लगा लिए तो वो एक जाति हो गई। ब्राह्मण है तो कितने तरह के ब्राह्मण, कन्नौज से आए हैं तो कानकुब, जैसे सरजूपार से आए हैं तो सरजूपारी है, रहे तो ब्राह्मण ही और रहे तो मनुष्य ही। उसमें भी कैटेगरी, उसके अंदर भी कैटेगरी, उसके अंदर भी कैटेगरी, उसमें से भी बढ़ते 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 चले आए। तो जातियों की व्यवस्था होती नहीं थी, कर्म के हिसाब से था, गुण के हिसाब से था। जैसे जातियां बनती चली आई, अगर कर्म के हिसाब से हो खानदानी चले, तो एक दिन तो हमने संकेत किया कि आने वाले समय में एक नई जाति आएगी, राजनेता जाति। भाई बाप नेता बेटा नेता, भाई बाप कुम्हार बेटा कुम्हार तो कुम्हार हो गया ना वो, तो बाप नेता बेटा नेता, फिर पोता नेता। तो कहेंगे कि किस जाति से है, तो बोले नेता जाति से है। तो कौन से वाले गोत्र के हैं, तो बोले मंत्री गोत्र हैं, पैदा होते ही मंत्री बनते हैं वो सीधे, वो सिंपल कैंडिडेट नहीं होते, मुख्यमंत्री गोत्र वाले हैं, श्रेष्ठ वाले हैं, शादी इनसे इनमें नहीं होती है। और ये सीधे प्रधानमंत्री गोत्र वाले हैं, इनका जो इलेक्शन लड़ते हैं तो सीधे प्रधानमंत्री के ही कैंडिडेट होते हैं, ये भी जाति आ जाएगी। अब जैसे फिल्मों में अब बोले कौन से जाति से, बोले कलाकार जाति, कौन से वाले कलाकार, एक्टर फिल्म वाले, क्योंकि एक्टर का बेटा एक्टर, एक्टर का बेटा, उधर भी तो जातिगत परंपरा चालू हो गई ना। तो जहां ये बेटे पोते तक जाएगी तो आने वाले समय में इसका खतरा है कि वो भी एक जाति मानी जाए भविष्य में। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय।